सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टॉर ब्राउज़र कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, टॉर ब्राउज़र एक ऑनियन की तरह होता है जिसमें बहुत सारे पर्थ होते हैं। उसी तरह इसका आईपी भी होता है, आईपी भी बहुत सारे पर्थ से होते हैं, मतलब 3-4 आईपी से गुजर के जाते हैं, जो कि आपका जो मेन आईपी होता है उसको सेव करने के लिए ये होता है टॉर ब्राउज़र। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि टॉर ब्राउज़र कैसे इंस्टॉल किया जाता है काले यूनिक्स पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपना काली यूनिक्स ओपन कर लीजिए, उसके बाद आपको ब्राउज़र पर चले जाना है। किस भी ब्राउज़र पर चले जाना है आपको। ब्राउज़र पर चले जाने के बाद आपको यहाँ पर टॉर ब्राउज़र सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पर टॉर ब्राउज़र सर्च कर लिया आपने, और यहाँ पर जो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर है टॉर ब्राउज़र डाउनलोड प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, दो विंडो के लिए होता है ये, ओएस और लिनक्स एंड्रॉइड चारों के लिए है। तो आपको हमको लिनक्स के लिए करना है, तो मैं लिनक्स के लिए डाउनलोड कर चुका हूँ पहले से, तो आप डाउनलोड कर लीजिए उसे और सक्सेस हो गया मेरा डाउनलोड देख लीजिए। उसके बाद आपको जिस फोल्डर में आपने डाउनलोड किया, जिस पाथ में डाउनलोड किया, उसी पाथ में चले जाने हैं। आपको फोल्डर ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फोल्डर को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ये जो फाइल दिया गया है टॉर ब्राउज़र का फाइल, तो हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए फ्रेंड, एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका है टॉर ब्राउज़र NUS। अब तो हमको ये ओपन करना है ये फोल्डर को। तो फोल्डर ओपन करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, देखते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगा यहाँ पर स्टार्ट टॉर ब्राउज़र बोल के। तो फाइल को आपको कोई सा भी नोटपैड या फिर माउस पैड में आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट होने दो इसे। एड करके यहाँ पर माउस पैड पर चले जाना है, उस फाइल को क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो दिख रहा है रन लिखा है, रन तीसरे नंबर पर, तो वहाँ पर डॉट स्टार्ट टॉर ब्राउज़र डेस्कटॉप तक आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। ठीक है, डॉट से लेकर डेस्कटॉप तक आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको आप टर्मिनल ओपन करते हैं, CD डाउनलोड आप टाइप कर लेंगे, या फिर आपको जो अपने टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल किया है कौन से पाथ में इंस्टॉल किया है उसी पाथ में आप चले जाएंगे, तो ये कमांड रन होगा। ठीक है, जैसे मैं इस पाथ में डाउनलोड किया हूँ टॉर ब्राउज़र को, तो इसी पाथ में जाना है और यहाँ पर जो आपने कॉपी किया था वहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं देखते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर ले, यहाँ पर रन हो चुका है, और एक बार पेस्ट कर लेते हैं एक बार और। ओके फ्रेंड्स, ये पेस्ट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर होता होगा ये ब्राउज़र अपना, और यहाँ पर टॉर ब्राउज़र ओपन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉर ब्राउज़र ओपन हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर ये पहले से कॉन्फ़िगर ले चुका है, क्योंकि ये हम इंडिया वाला है तो कॉन्फ़िगर पहले से ले लेता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। और इसके में कुछ प्रॉब्लम आता है फ्रेंड, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो एक सेटिंग बता रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, तो उसको आप सेटिंग कर लीजिएगा, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो क्या करना है सेटिंग के लिए, तो ऐसे टर्मिनल को क्लोज कर दीजिए आप, और जिस पाथ में आप डाउनलोड किया था टॉर ब्राउज़र उसी पाथ में चले जाने हैं आपको। ठीक है, देखते हैं, फोल्डर जाने के बाद आपको यहाँ पर टॉर ब्राउज़र के बाद चले जाना है। उसके बाद ब्राउज़र के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है स्टार्ट टॉर ब्राउज़र, तो इसको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, माउस पैड पे ओपन कर लेते हैं किसी पर भी। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है रूट, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर रूट सर्च करेंगे अपने, रूट सर्च कर लिया, और यहाँ पर जो जीरो दिया है फ्रेंड, तो वहाँ पर आपको वन करना है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है ये। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम आएगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका फिर टॉर ब्राउज़र कॉन्फिगर हो जाएगा,
तो आप चला सकते हैं टॉर ब्राउज़र। तो इसी तरह डाउनलोड होता है टॉर ब्राउज़र। अब कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो फ्रेंड्स आप नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट में बताने की कोशिश करूँगा। तो फिर से अगर आपका वैसे प्रॉब्लम आता है तो फिर से जो आपने कॉपी किया था उसको फिर से एक बार पेस्ट कर दीजिए, ये फिर से कॉन्फ़िगर होके अपना टॉर ब्राउज़र चालू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सो फ्रेंड्स थैंक यू, वीडियो लाइक कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स थैंक यू।